नमस्कार दोस्तों, निफ्टी चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि हमने बताया था, बिल्कुल वैसे ही मार्केट ने बिहेव किया। 18,215 इस एरिया में कहा गया था आपको कि यहाँ पे आए तो बाय करना है, और बेस क्या था 18,130, और 18,130 पे बाय करना है, एक यहाँ पे बाय करना है। तो यहीं से मार्केट घूमी क्योंकि 18,200 पर पुट राइटर था, ये रीजन आपको बताया गया था। और यहाँ से हम एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली सुबह सुबह। इसके नीचे भी आपको कहा था 18,500 की पुट लेनी है, तो देखिए पुट में भी प्रॉफिट हुआ, फिर कॉल में भी प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से शानदार प्रॉफिट आप सबको हुआ। तो इसी तरह अगर आपने प्रॉफिट में रहना है और लगातार नई से नई अपडेट और स्टॉक मार्केट की पूरी डीप जानकारी रखनी है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया उसे जरूर क्लिक कीजिए। उसके अलावा नीचे डीमैट अकाउंट के जो लिंक दिए हैं, वहां से अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में हमने क्या किया। देखिए बैंक निफ्टी में सुबह जब लाइव सेशन भी आता है 11 बजे, तब भी बैंक निफ्टी एग्जैक्टली यहां पे थी इस एरिया में, और मैंने कहा भी था कि बैंक निफ्टी इस टाइम सबसे बढ़िया है, कॉल ले लो 42,900 की और आपको ऊपर का लेवल मिलेगा। कहां तक? 43,400 तक की रिट्रेसमेंट मिल सकती है, तो वो मिली भी। तो इस तरह से हमें एक शानदार प्रॉफिट यहां भी हुआ और सुबह सुबह यहां भी हुआ। तो इस तरह से हमें दोनों साइड एक काफी भारी भरकम प्रॉफिट देखने को मिला, क्योंकि आज यूएस का सीपीआई डाटा आना था, तो इसलिए भी मार्केट ऊपर नीचे होती रही। दूसरा, जो पीएसयू बैंक की जो न्यूज आई थी कि आरबीआई अब नए नियम लगाने जा रहा है उनके लोन के मामले में, तो कुछ वो जरूरी कर देगा कि लोन वही जितना लोन दिया गया है उसका 30% कोई मॉर्टेज होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, इस तरह के कुछ नियम आएंगे। तो वो नियम क्या आएंगे वो तो अभी फ्यूचर में आएंगे, पर उसी से मार्केट थोड़ी डरी रही और पीएसयू बैंक में पहले सेलिंग आई, फिर बाद में एग्जैक्टली 10 EMA के पास फिर बाइंग आई। इसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो आपको फिन निफ्टी में समझाया था, फिन निफ्टी वाली वीडियो में, कि जैसे ही 10 EMA आए उसको भी बाय करना है, इस एरिया को भी बाय करना है, और मतलब कि यहाँ भी बाय करो, यहाँ पे एवरेज करो, और आपको देखे कितना अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिला। 19,365 तक के टारगेट हमें देखने को मिले। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। देखिए आज का दिन बड़ी बड़ी जानकारियों से भरा पड़ा है। सबसे पहले तो यूएससीपी इंडेक्स, और फिर करेंगे कर्नाटक के एग्जिट पोल। सबसे पहले यूएससीपीआई इंडेक्स, वो आया है 4.9, एस्टीमेट था 5, पिछली बार भी था 5, मैंने आपको बताया था कि इस बार एस्टीमेट उतना ही आ रहा है जितना पिछली बार था, तो थोड़ा सा 0.1 नीचे आया है, तो कोई ये खास बड़ी खुशी वाली तो बात नहीं है। तो मतलब जैसे मार्केट चल रही है तो वैसे चलती रहेगी, जैसे नॉर्मली बिहेव करना चाहिए। तो हमारे लिए पॉजिटिव है क्योंकि हमारी मार्केट पहले ही काफ़ी जंप मारने के लिए तैयार बैठी थी, पिछले 2-3 दिन से बस देख रही थी किसी तरह यूएससीपी डाटा आ जाए तो मैं भागूं। तो मेरे हिसाब से अब भागने के लिए रास्ता साफ है। हाँ, शर्त ये है कि 800-900 पॉइंट डाउ ना टूट जाए, फिर बाकी सब ठीक है। तो अब देखते हैं कि डाउ का क्या हाल है यूएससीपी डाटा आने के बाद। तो आइए अब हम देखते हैं वर्ल्ड लेवल पे क्या असर पड़ा ये इस डाटे का। असर ये पड़ा कि यूएस डाउ फ्यूचर 180 पॉइंट जंप मार गया है काफी तेज, और सिंगापुर निफ्टी उसके पीछे पीछे 35 पॉइंट अप हो गई है, और उसका फ्यूचर सिंगापुर निफ्टी का वो 18,411, मतलब इससे पता चल रहा है कि इतना बड़ा गैप अप होगा कि जो मैंने आपको दिया हुआ है 18,440 का टारगेट, शायद कल सुबह ही खुलते ही गैप अप ओपनिंग ही वहीं पर हो जाए, इस हिसाब से तो ऐसा लगता है। बाकी मैं अभी मजाक कर रहा हूँ, होने को हो भी सकता है। बाकी देखो रात को क्या होता है, असली एक्चुअल पता कब चलेगा जब मार्केट रात को 8 बजे खुलेगी डाउ की, और उसके बाद किस तरह से ट्रेड करती है, 12-1 बजे के बाद 2-2.5 बजे कैसे खत्म होती है मार्केट, फिर जाकर क्लियर होगा। अभी फिलहाल मोमेंटम स्ट्रांग हो गया पूरे वर्ल्ड का, तो ये भी देखो हैंग सेंग काफ़ी कवर हो गया, ये 200 पॉइंट नीचे था, अब सिर्फ 63 पॉइंट नीचे रह गया है, और फुटसी भी काफ़ी ऊपर आ गया है। फुटसी भी देखिए, यूके की मार्केट भी अब
सिक्स पॉइंट ऊपर आ गई है, पहले ये भी माइनस थी। तो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट काफ़ी पॉजिटिव होने लगी है, क्रूड भी उछल गया है और उसके साथ साथ जो रुपया है डॉलर है वो कमज़ोर हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा रुपया मजबूत होगा। और जो बॉन्ड यील्ड है वो भी नीचे आ गई 3.4, मतलब अब सब कुछ हमारी मार्केट के फेवर में आ गए हैं। अब दूसरी चीज़ आती है, अब आती है कर्नाटक विधानसभा इलेक्शन, जो वहाँ के एग्जिट पोल आज शाम को आएंगे, इसका भी असर हमारी मार्केट पर पड़ेगा। देखिए एक रूल है, कोई मुझे ये ना समझ लेना कि मैं किसी पार्टी के साथ हूँ, तो मुझे ये फर्ज बनता है आपको सही चीज़ बताने का। देखिए ये एक रूल है कि जो पार्टी भी सेंटर पर राज कर रही हो तो उस पर वो पार्टी अगर स्टेट में जीते तब तो उसे स्टॉक मार्केट उसे अच्छा मानती है। कारण क्या होता है कि सेंटर स्ट्रांग हो रहा है, उसका बस यही लेना देना है, सेंटर पे कोई पार्टी हो कुछ हो ये सेम हो तब वो स्टॉक मार्केट कहती है हाँ जी सेम है। अगर सेम ना आए तो फिर स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव असर पड़ता है। जहां तक पार्टीज का सवाल है कि बीजेपी की सपोर्ट जहां बताई जा रही है 84 और बीजेपी का रेजिस्टेंस बताया जा रहा है 120, आप कहेंगे ये भी स्टॉक मार्केट में बदल दिया। हाँ जी, मतलब कि अलग अलग चैनलों से जो ओपिनियन पोल आए थे उनके मुताबिक 84 to 120, 84 इसकी सपोर्ट है और 120 पे इसका रेजिस्टेंस है, जबकि कांग्रेस का 100 पे सपोर्ट है और तकरीबन 140 तक उसको बताया जा रहा है कि 140 भी आ सकता है। मतलब कांग्रेस का पलड़ा भारी है इस इलेक्शन में, बाकी जो एग्जिट पोल आएंगे फिर पता चलेगा कि बात कहाँ जाती है। पर मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक स्टेट छोटी स्टेट है, ये है 25 लोकसभा सीट्स हैं इसमें, और इतनी छोटी सीटों वाली स्टेट जो होती है, हाँ अगर यूपी होता या एमपी होता या महाराष्ट्र होता या तमिलनाडु होता तो मार्केट पे सीधा असर पड़ता, पर मुझे नहीं लगता कि इस सब का कोई भी असर हमारी स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा। फिर भी मेरा फर्ज था, क्योंकि सर आप लोगों के मैसेज आए थे कि हमें इसके बारे में बताएं, क्योंकि टेलीविजन चैनलों पे कहा जा रहा है कि इसका असर पड़ेगा पड़ेगा, पर मैं नहीं मानता कि इसका असर कोई पड़ेगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं मेन मुद्दे पर, अब आते हैं हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। हमें तो मतलब होना चाहिए स्पोर्ट रेजिस्टेंस, और जो चाहे दुनिया में हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए 43,000 पर स्पोर्ट है, तो 43,000 की स्पोर्ट को बाय करना चाहिए। आज भी हमने वही किया, 43,000 पे जैसे ही आई हमने बाय किया, और 43,500 के पास हमें पुट लेनी चाहिए। इस टाइम वही मार्केट चल रही है, पर जिस हिसाब से यूएस सीपीआई डाटा आ गया है तो मुझे लगता है अब गैप अप ओपनिंग होगी, और अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो जो मैंने टारगेट दिया हुआ है 44,140, वो शायद आपको कल ही मिल जाए, मिल जाए तो अच्छा है। तो उसके बाद अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पर कि बैंक निफ्टी में हमने क्या करना है। बैंक निफ्टी में देखिए जैसे आज हमने ट्रेडिंग की है बिल्कुल वैसे डिट्टो कल करनी है ट्रेडिंग। अभी तो हम ये मानकर चलते हैं चलो फिर से कोई डिप आ जाता है, तो अगर कोई डिप आता है तो आपने इस डिप को बाय करना है इस एरिया में। कौन सा? 42,000, मैं लिख देता हूं 42,800 से 43,070। ये 43,070 कहाँ से आया? ये आया 10 MA, 10 MA है 43,070, और 42,800 पे क्या है? पुट राइटर। तो ये आपका लास्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए SL 42,800, और इस रेंज में आपको बाय करना चाहिए। और ऊपर की ओर जो आपके टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 43,161, 300 और 400। जैसे ही ये आए बार बार पुट लीजिए, पुट लेने के बाद ज़्यादा देर ना रुकिए, 500 पॉइंट जहाँ मिलते हैं निकल जाइए। पूरा ये ना सोचिए कि 10 MA तक जाएगा और हमने प्रॉफिट बुक करना है, ऐसा कुछ ना सोचना, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। अब आते हैं रियलिटी पे। रियलिटी क्या है कि मार्केट गैप अप खुलने के चांसेस बन गए हैं इस टाइम, जो मैं आपको दिखाया है पूरे वर्ल्ड मार्केट में कि मार्केट सारी भाग रही है, काफी तेज भाग रही है, और डाउ फ्यूचर 180 पॉइंट हो गया, और जो सिंगापुर निफ्टी है वो भी 50-60 पॉइंट ऊपर हो गई है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी मार्केट भी अब 50-60 पॉइंट, तो अगर वो निफ्टी 50-60 पॉइंट है तो ये कितना खुलेगी? 120 पॉइंट। तो ये कहाँ जाके खुलेगी?
43,526 के ऊपर अगर यहाँ खुलती है तो आपको 43,400 की कॉल बाय करनी चाहिए, और स्टॉप लॉस रखना, एसएल रखना 43,390 का। अब कहोगे कि भाई ये तो काफ़ी बड़ा एसएल हो गया। हाँ ठीक है, जिनके पास कैपिटल ज़्यादा है वहीं रखना, जिनके पास कैपिटल कम है वो पाँच पाँच मिनट की तीन कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाए 43,526, ये क्या है 526, ये है परसों का हाई, तो उसको देखकर मैं कह रहा हूँ। तो उसके नीचे नीचे अगर पाँच पाँच मिनट की तीन के अंडर क्लोज होती है तो निकल जाना, ऊपर टारगेट रहेंगे 43,711 और उसके ऊपर आपको एक बड़ा बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा। अगर डाओ ने साथ दिया रात को हमारा तो आपको 44,000 जो मेरा टारगेट है, पोजिशनल टारगेट जो आपको दिया हुआ है वो मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर डाओ ने रात को साथ दिया तो कल ही मिल जाएगा, वरना हमें दिन लगेंगे 5, 10, 15, 20 दिन या महीना लग सकता है, क्योंकि धक्के वक्के खाते ही ऊपर जाएगी, ये तो रहता नहीं कि सीधा चले जाए। तो नीचे की ओर आपने पुट तभी लेनी है 42,800 टूटे तो, जैसे 42,800 टूटेगा तो आपने पुट ले लेनी है। उस पुट में आपको टारगेट मिलेगा 42,628 और 500। यहाँ पे क्योंकि 20 MM है तो दोबारा से कॉल ले लेनी है। याद रखना, एक तो पुट लेनी है 43,400 के आसपास, एक पुट लेनी है 42,800 के नीचे। कॉल लेनी है 43,000 के एरिए में, यहाँ लेनी है 43,550-560 के जाके ऊपर, मतलब 43,500 का एरिया क्रॉस होने के बाद, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉल रेटर खड़ा है, और वो जब ट्रैप हो जाएगा तब जाकर एक अच्छा मोमेंटम बनेगा मार्केट के अंदर, शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो शॉर्ट कवरिंग हमें एकदम से 4-500 पॉइंट का एक रन दे देगी। ये है पूरी बैंक निफ्टी की समरी। तो आइए अब हम आते हैं निफ्टी पर कि निफ्टी में हमने क्या करना है। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कहती है? निफ्टी की ऑप्शन चेन ये कहती है कि 18,200 पर फिर से पुट राइटर काफी हैवी एक्टिवेट हो चुका है, मतलब 18,200 का डिप हमने बाय करना है। आज भी हमने यही किया है। अब 18,300 याद रहेगी, 18,300 को पिछले तीन दिन से मार्केट छोड़ नहीं रही, तो मैंने वैसे भी आपको बताया हुआ है कि मार्केट कहाँ जा रही है, 18,440 की ओर, क्योंकि 18,440 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो उधर जा रही है, एक पैकेज है जो उधर लेकर इसे जा रहा है। ऊपर की ओर 18,400 पर कॉल राइटर और 500 पर बड़ा कॉल राइटर। ये देखो 500 पर क्यों बड़ा कॉल राइटर है, क्योंकि 18,440 याद रखना काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वहां पर। तो आइए अब हम चार्ट पे आते हैं कि चार्ट पे हमने क्या करना। तो निफ्टी का चार्ट हमें क्या कहता है, निफ्टी का चार्ट हमें क्या ये कहता है कि जो हमने आज किया वो भी कल करना, मतलब 18,213 तक के डिप को बाय करो, 18,000 की कॉल लो, नीचे 18,200 के नीचे 5-5 मिनट की तीन के अंडर क्लोज हो तो अपना निकलो, ऊपर टारगेट 18,240, 260, 284 और 300 तक हमें उछाल मिल सकता है। और जैसे ही नीचे से ऊपर की ओर जब ऊपर जाए तो यहाँ पर 18,300 के आसपास या 18,290 के आसपास पुट लो, और वहाँ से जो 15-20 पॉइंट मिले वो लेके निकल जाओ। अब सवाल आता है, अगर मान लो फ्लैट खुल गई मार्केट, तो अगर फ्लैट खुलती है और नीचे जाती है मार्केट और 18,280 को तोड़ती है और 5-5 मिनट की तीन कैंडल यहाँ क्लोज होती है, तो आपने 18,500 की पुट ले लेनी है और टारगेट 18,265, 240 और 213 होंगे। अब आते हैं रियलिटी पे। रियलिटी क्या है कि गैप अप ओपनिंग, तो हमें अब 50-60 पॉइंट दिख रहे हैं सिंगापुर निफ्टी में, तो हम इसी को कैलकुलेट करते हैं, चलो 50 पॉइंट को। तो मार्केट खुलेगी यहाँ पे 18,365 पे, मान लो यहाँ खुल गई क्योंकि 18,315 पर क्लोज हुई है, तो यहाँ पर 18,200 की आपने फिर कॉल ले लेनी है और स्टॉप लॉस रखना है 18,340 का। ऊपर जो टारगेट रहेगा 18,383, 396 और फिर मिलेगा 18,400 और 440 तक के लेवल। ये देखिए 18,383, 18,396 और 18,440। याद रखना यहाँ पर आपने अपना प्रॉफिट बुक करना है, उसके बाद 440 के ऊपर 5-5 मिनट की तीन के अंदर क्लोज हो
तभी कॉल बाय करनी है वरना नहीं। चलो खैर अभी हम यहीं तक ही बताते हैं, बाकी अगर 440 के ऊपर गई तो मैं फिर नए पोजिशनल टारगेट भी निकाल के और ऊपर के टारगेट इंट्राडे के क्या निकलते हैं वो सब आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम वहां पर साथ साथ आपका साथ देते रहते हैं। आज भी जब मार्केट टूट रही थी तो मैंने वहां पे रीज़न बताया था कि PSU की एक खबर आ रही है RBI की कि वो कुछ नियम लागू करने जा रहा है आने वाले टाइम में, तो इसलिए मार्केट पर प्रेशर आया है, तो इसलिए मार्केट नीचे गिर रही है। उसके बाद बहुत अच्छी बाइंग आई, और बाइंग में मैं आपको बता दूँ कि बाइंग का आंकड़ा क्या है। तो बाइंग का आंकड़ा आज का ये आया है, देखिए FIs ने फिर जम कर खरीदारी की है, 1833 करोड़ का कैश में बाइंग की है, और DIs ने अपना प्रॉफिट बुक किया है। DIs ने क्यों प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि उसने भी USCPI डाटा को देखकर प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि कल तो DIs और FIs दोनों बाय करके आज निकलने का कारण यही हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा होगा कि पता नहीं CPI डाटा क्या आ जाए, और FIs जब एक बार बाय करने लग जाए तो उन्हें पैसे की परवाह नहीं होती, वो तो कहते हैं चल कोई ना डिप लग जाएगा हम और खरीद लेंगे, पर अभी भी छोड़ो मत क्योंकि हो सकता है गैप अप ओपनिंग, तो इसलिए अब इन्हें प्रॉफिट ही होगा, इन्हें फायदा हो गया इनका बाय करने का। मतलब FIs बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं हमारी इंडियन मार्केट पर। तो ये था बिल्कुल कंप्लीट ट्रेड सेटअप हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को लाइक जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।